ये वॉशिंग मशीन का जो ये जुमला है समझ में नहीं आ रहा, ताली भी बज रही है आप लोगों के खिलाफ। भाई ताली है उनका, मन है बजाना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए 2024 के बाद को इनको ये वॉशिंग मशीन वगैरह ही बेच के काम चलाना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी तो चलने से रही। राहुल जी को क्यों नहीं धुल दे रहे हैं? नहीं, अब एक और चीज सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो धुलने की बात कर रहे हैं, अजीत पवार कहां से आए? एनसीपी से आए ना? एनसीपी कहां से आई? कांग्रेस से आई ना? मतलब जब तक इनके साथ होता है जब तक ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी में आते ही बेईमान है। जब तक इनके साथ रहता है जब तक ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी में आते ही बेईमान है। तय कर लो भाई। अरे माइक इधर है भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, आवाज यहीं से जानी है। पहली बात तो बड़ी तय है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जितने भी नेता हैं, जब इनकी तरफ से तो इनको तब याद नहीं आता, अरे ये तो बहुत भ्रष्टाचारी है भाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी में। ये देखिए धुल गए, सुनिए। अरे जब आप धोएंगे तो सवाल खड़ा करेंगे ना, कि जो जिसपे आप कहते हैं कि ये जितने ईडी सीबीआई है सब चोरों के यहाँ जाएगी, वो जेल में जाएंगे, एक नाम क्या सबके यहाँ? एक नाम बता तो दिए, कांग्रेस वाले, उनकी थोड़ी सी जो समझ है वो बड़ी परेशानी। अभी इन्होंने प्रफुल्ल पटेल बताया, प्रफुल्ल पटेल में इनको बेचारों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि प्रफुल्ल पटेल पर क्या केसेस थे, कितने थे, कहाँ थे, क्या थे। मैं बता देता हूँ, प्रफुल्ल पटेल पर 4 FIR थी, 4 FIR 2007-08 में जब वो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसमें से 3 FIR अभी एज इट इज हैं, 1 FIR में क्लोजर रिपोर्ट लगी है, जिस पर वो भी कोर्ट बताएगा 23 अप्रैल को कि वो होना है कि नहीं। शाम त्यागी बहुत परेशान है, जब बताओ भाई ले लीजिए, ये इसलिए FIR बची हुई है कि कल को कहीं वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने लग गए ना दोबारा से, तो उनका गला दोबारा से दबाया जा सके। जिस तरह से ये लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं, आपने बचा लिया लोकतंत्र, ये देश में चिंता का विषय। इमरजेंसी किसने लगाया? इंडिया गठबंधन इस समय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, तंत्र सेनानी पेंशन भी पा रहे हैं। सुन लीजिए, इस समय अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं। डिक्लेयर थी वो 10 साल पहले, वादा तो था 2 करोड़ नौकरियां देने का, आज सरकारी संस्थानों में भी नेता, इनसे भी पूछ आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी क्या स्कीम लेकर आए हैं, नई भ्रष्टाचार की महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, और वो चंदा वो क्या था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा था, ये चंदा ऐसे नहीं मिला है। पहले ईडी सीबीआई इनकम अभी तो पाए हैं, हम बता रहे हैं ना, पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डंडा चला है, डंडे के बाद चंदा मिला है, चंदे के बाद धंधा मिला है, ये नई स्कीम लाने वाले मोदी जी थे। अच्छा तो पूछ लेते हैं भाई, आज जिस तरीके से कल भारत रत्न मिला और आज जो मेरठ में धरती, चरण सिंह की धरती पर जिस तरह से बात की प्रधानमंत्री ने, तो चरण सिंह को भारत रत्न और जो भारत रत्न मिला है जाटलैंड में, किसान और ये सब जो राजनीति है, इसका फायदा मिलेगा राजनीति में? देखिए बात ये है, हमारे नेता को किसी चीज का कोई डर नहीं था, ईडीआई सीबीआई का, इसलिए उन्होंने जो कंप्रोमाइज़ करा है वो देश के किसान के और अन्नदाता के हित में किया है। कम्युनिकेशन गैप था, हम जो बात कहते थे हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक समय तक नहीं पहुंच पाती थी, तरीके से नहीं पहुंच जाती थी। हमारे नेता ने अभी आपसे कुछ दिन पहले आपके चैनल पे कहा है कि अब के गन्ने का रेट 400, अगर सीट 400 तो रेट भी 400। किसानों के लिए गए थे आप, किसानों का जो आंदोलन हुआ था वो आज की जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली है, उस रैली का जो स्लोगन है, जो पोस्टर लगा है, उस पर लिखा है गौरव सम्मान रैली। क्या मतलब, जो सर काम कई दशकों से रुका हुआ था, कितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, क्या कभी उनको मन में आया कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान ये दिया ना? तो अजीत सिंह तो उसी सरकार में मंत्री थे, आपके जो जैन जी हैं वो भी साथ में थे, विलय भी कर चुके थे कांग्रेस में, तो ये सब कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं दिलवा पाए? देखो जब जागे जब सवेरा, जागे हैं अब, जाग गए ये भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरठ की धरती है, हम सब लोग चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय अजीत सिंह जी के कहते थे कि मैं इस कोठी को उनकी यादों में बनाना चाहता हूँ, स्मारक बनाना चाहता हूँ, लेकिन उनके बोरिया बिस्तर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करा। मैं आपको भाई, जिसने फेंक दिया उसी के साथ। देखिए ऐसा होता है, जब आदमी को अच्छे काम करता है उसकी चर्चा नहीं होती है, गलत एक काम हुआ उसको, आज जो उनको सम्मान, आप देखिए भारत रत्न का सम्मान, हमारे यूपी में एक एमएलसी बनाएंगे,
हमारे एक कैबिनेट मंत्री हमारे दलित समाज से बनाए गए, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे? एक कार्यकर्ताओं को सम्मान चर्चा करेंगे, बताइए। आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह साहब, जो कि भारत रत्न जिनको मिला है, आज उनकी आत्मा बड़ी कचोट रही होगी जहां पे भी वो होगी, क्योंकि इंद्रजीत सिंह टीटू जी और इनके नेताजी जाके किसानों के हथियारों के साथ ही जाके जुड़ गए हैं आज एनडीए में जाके। हमने देखा, देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगी सरकार के डंडे जयंत सिंह जी भूल गए बुलंदशहर के? वो डंडे मानव वालों के साथ चले गए, सौदा कर लिया सत्ता का, मलाई का सौदा कर लिया। बताइए भाई, स्वयं अकेले झेल रहे हैं? नहीं नहीं, पता दिक्कत क्या है, इतिहास पढ़ने बिगड़ने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। वो जो बराबर वाले हैं कांग्रेस वाले हमारे, उनसे जरा पूछो कि चौधरी चरण सिंह इस देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में विजिट नहीं करी, बेचारों को उठाकर बाहर कर दिया था इन लोगों ने। अब इनको पता नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है या तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब वो बराबर वाले वो कहते हमने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की बात करी, इतना बड़ा सम्मान। अरे कैसी बात करते हो भाई, चौधरी चरण सिंह जी जब इसी यहाँ पर अजीत सिंह जी उनके बेटे मुख्यमंत्री बनने आए थे, क्या किया था मुलायम सिंह यादव जी ने? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।